वेरी टूडे अगेन आई है वंडरफुल लेसन लास्ट टाइम वी हैउट फ्यूचर हमने लास्ट टाइम फ्यूचर की बात की थी अगेन वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर बट इन अ डिफरेंट वे कई बार ऐसा होता है दोस्तों जैसे मान ली आपने देखा कि बादल छाए हुए हैं घटा छाई हुई है कि, अच्छा कैसे बोलेंगे कि घटा छाई हुई है बोलेगा इट्स क्लाउडी ग्रेट क्या बोलेंगे रिपीट कर देिएगा इट्स क्लाउडी अब मामा बोलती है बेटा बाहर जा रहे हो तो छाता ले जाना बारिश हो सकती है अब ध्यान दीजिए ये बारिश हो सकती है तो क्या भगवान ने मामा के कान में आके कहा कि बारिश होगी नहीं ऐसा एक अनुमान है जब आप न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में भी एक अनुमान लगाया जाता है एक अंदाज़ा लगाया जाता है किसी भी काम के करने की पॉसिबिलिटीज होती हैं अगर स्योरिटी होती है किसी काम को करने की हंड्रेड परसेंट कोई काम होना ही होना है फ्यूचर में ध्यान रखिएगा फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग तो दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं विल लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए कल मैं दिल्ली जाऊंगा अब जाऊंगा या नहीं जाऊंगा अगर मैं श्योर हूं तो बोलूंगा यस आई विल गो ओके लेकिन श्योरिटी नहीं है पॉसिबिलिटी है सेवेंटी परसेंट चांसेस हैं कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा तो जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो दोस्तों हम लोग यूज करते हैं मे का शायद जाऊं, जा सकता हूं, बारिश हो सकती है इट मे रेन बारिश हो सकती है मैं जा सकता हूं, आई मे गो ओके आई मे गो कोई भी काम शायद मैं कल आपको पढ़ाऊं, शायद पढ़ा सकता हूं, आई मे टीच पढ़ा सकता हूं, यानी चांसेस सेवेंटी परसेंट है हंड्रेड परसेंट नहीं है अगर हंड्रेड परसेंट तो बोलूंगा आई विल टीच टमोरो नो 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 क्या बोलेंगे आई मे अगर पॉसिबिलिटीज हैं सेवेंटी परसेंट तो बोलेंगे

हंड्रेड परसेंट के लिए तो श्योर विल आएगा पक्का है लेकिन थर्टी परसेंट और सेवेंटी परसेंट का जो फार्मूला दिया इट्स नॉट हार्ड एंड फार्सूल ये ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट सेवेंटी परसेंट ही हो सेवेंटी फाइव परसेंट भी हो सकता है एटी परसेंट भी हो सकता है सिक्सटी फाइव परसेंट भी हो सकता है डिपेंड करता है ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए ताकि आप आसानी से समझ सकें इसलिए मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया है आई होप यू अंडरस्टैंड ओके और ऐसे ही माइंड की अगर हम बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि माइंड के लिए थर्टी परसेंट ही हो ट्वेंटी परसेंट भी हो सकता है टेन परसेंट भी हो सकता है फोर्टी परसेंट भी हो सकता है जिस चीज का रेशो कम है वो माइट जिसका ज़्यादा है उसके लिए मै और जिसका बिल्कुल हंड्रेड परसेंट है उसके लिए बिल ओके okay? मान लीजिए बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला है लगता है आंधियाँ चल रही है बड़ी घटा चल रही है हवा है कैसे बोलो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है इट्स वी बोलेंगे इट्स क्या बोलेंगे दोस्तों बोलेगा इट्स विंडी, यस तूफान के आने की संभावना है इट मे स्टॉम क्या बोलेंगे इट मे स्टॉम यस स्टॉम बोलते हैं तूफान को और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है और यहाँ जो स्टॉम है ये ये कौन सी फॉर्म है ये वर्ब की फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म अच्छा स्टॉम नाउन भी होता है तूफान को बोलते हैं लेकिन यहाँ पर हम एज ए वर्ब यूज़ कर रहे हैं सो so, इट में स्टॉम बहुत तेज घटा छाई हुई है लगता है बारिश होगी इट मे रेन मे के बाद फर्स्ट फॉर्म है रेन रेन यहां पर वर्ब है सो इट मे रेन क्लियर अगर बारिश हो रही है तो काम जारी है ऑलरेडी वी हैव लर्न इट्स रेनिंग क्या बोलेंगे इट्स रेनिंग हो रही है ना लेकिन मान लो बारिश हो रही है बहुत तेज और लगता है ओले पड़ने वाले हैं ओले होते हैं ना जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अच्छा ओले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोलते हैं हेल यस अच्छा हेल वर्ब भी है और नॉन भी होता है तो हम यहां पर इसको वर्ब की तरह यूज करेंगे कि ओले पढ़ने की संभावना है कैसे बोलेंगे बोलेगा इट मे हेल ग्रेट रिपीट करते रहिए इट मे हेल तो कोई भी काम मैं करूंगा शायद करूं आई मे एक्शन यू की बात कर लीजिए यू मे एक्शन वी की बात कर लीजिए वी मे एक्शन दे की बात कर लो दे मे एक्शन ही मे एक्शन शी मे एक्शन ऐसे ही माइंड की बात कर लीजिए आई माइट एक्शन यू माइट एक्शन वी माइट एक्शन दे माइट एक्शन ही माइट एक्शन शी माइट एक्शन किसी की भी आप बात करेंगे मे माइट के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्मानी है तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा मिलता हूँ आपसे अगला लेसन में तब तक के लिए बाय थैंक यू